4 साल का मेरा बेटा था, बिल्कुल सही था, बच्चों के साथ खेलता था, पढ़ने जाता था स्कूल। फिर अचानक पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई, जब इसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया, फिर पैर में काम करना छोड़ दिया, हाथों में पैरों में, फिर बैठ नहीं सकता था, फिर मैंने इसकी बहुत इलाज करवाई, पर किसी ने ये नहीं कहा कि इसको क्या बीमारी है। जब इसके बारे में सोचता हूँ, इसके पैंपर के बारे में, इसके दूध के बारे में जब भी सोचता हूँ ना, तब दूसरे बच्चों को खाना नहीं होगा। जब उनके बारे में खाने के सोचता हूँ तो इसको ना पैंपर होगा ना ही दूध, इसलिए इतना कमज़ोर है ये। 16 साल का है, इसका वज़न 1 किलो भी नहीं है। मैं सुबह से जाती हूँ, सुबह 7 बजे काम पर जाती हूँ, शाम को आ जाती हूँ, ये ऐसे लेटा हुआ है। इतना कमज़ोर हो चुका है, जब जब लेटता है तो उसको ज़ख़म बन जाते हैं, पीठे ज़ख़म बन जाते हैं, साइड में ज़ख़म बन जाते हैं। जब गर्मी होती है तो उसको गर्मी इतनी बर्दाश्त नहीं होती, लाइट नहीं होती है, तो इतना ये चिड़चिड़ा होता है, इतना चिड़चिड़ा होता है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक मुझे उठा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मी और कभी जब मैंने इसको बोला, ये छोटा सा था, जब मैंने इसको बोला था कि आप ईद रात को सही हो जाओगे, तब से इसको यही बात उसको याद रही, अम्मी ईद आएगी तो मैं सही हो जाऊँगा, ईद आएगी तो मैं सही हो जाऊँगा। जब जो भी ईद आती है इसके मुँह पर मायूसी रहता है कि अम्मी अब तो ईद आ गई फिर भी मैं सही नहीं हूँ। फिर भी वो कहती थी नहीं बेटा सब्र कर, अल्लाह पाक जब भी राज़ी होगा उसी टाइम तुम्हें सही कर देगा। अब ये बड़ा हो गया, अब इसको होश है कि मैं सही नहीं हो सकता। मैं किरायों पर रहती हूँ, कभी इस घर में कभी 5,000 किराया दो, किसी घर में 4,000 किराया दो, उसके चित्त भी नहीं है, कुछ सहूलियात भी नहीं है ज़िंदगी में। फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह पाक से उम्मीद रखना चाहिए, अल्लाह पाक बेशक जो भी करेगा बेहतरी में आपके करेगा, जो हक में बेहतर हो। एक घर से निकल के दूसरे घर में जाना, दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में जाना, पूरी ज़िंदगी मेरे 15 साल ऐसे ही गुजर गए, ये पता ही नहीं चला मेरे बच्चे कब बड़े हो गए। ये बच्चा हमारे पास आता है, चीज लेता है, मैं चीज उसको दे देता हूँ, पैसे नहीं लेता हूँ उससे, मैं मुझे पसंद है, मेरे पास आके खड़े होके बातें करता है तो मैं इसे लाइक करता हूँ। दुख रहता है कि मैं अपने बेटे के पास ही रहूं, मैं काम पे नहीं जाऊं, क्योंकि इसके हाथ भी तो नहीं होते कि ये अपने हाथों से खाए। आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे पास आता है, मैं उसको कभी कभी बिस्किट भी खिलाता हूँ, वो आता है मेरे पास, मैं बहुत उसको जो आता है मेरे को बहुत खुशी होती है इधर वो आते। जब दूसरे बच्चों को देखता है खेलते हुए, अपने बहन भाइयों को, सिर्फ देखता रहता है, मैं भी इसके साथ खेलूं। मैंने कहा बेटा खेलोगे, क्यों नहीं खेलोगे, जब तक अल्लाह राजी होगा तुम उसी के साथ खेलोगे।
जब मैं सुबह निकलती हूँ काम के लिए, शाम को आती हूँ, बच्चे भूखे रहते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। जब मैं आती हूँ, जब बच्चे मेरे सामने होते हैं तो मैं उनको कुछ खाना खिलाती हूँ, उसी बात मैं खुश होती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कुछ खिलाया है।